हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई और एमडीज गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, वीडियो की शुरुआत मेरी बेटी कर रही है एडेनियम के प्लांट के साथ। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत फूल खिल के आए हैं एडेनियम में। और ये ग्राफ्टेड प्लांट है और बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं। तो देखिए, एडेनियम के ऊपर ही मैं दूसरा वीडियो लेके आई हूँ, पार्ट टू। पार्ट वन मैंने जो आप सभी के साथ शेयर किया, तो उसका ही दूसरा भाग मैं लेके आई हूँ। अभी आज मैं एडेनियम की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, तो किस तरह से करती हूँ और कौन कौन सी खाद यूज़ करती हूँ, यही सभी बातें आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी फरवरी का मंथ ख़त्म हो गया है। फरवरी में ही ये सब शुरू करना चाहिए, पर देखिए मैं आज कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो इसका सीज़न शुरू हुआ है, तो गर्मियों में हम कभी भी एडेनियम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बस बारिश में नहीं करना है और सर्दियों में नहीं करना है। तो ये देखिए, मेरे बहुत ही पुराने एडेनियम है ये, और ये ग्राफ्टेड वाला है और ये नॉन ग्राफ्टेड है। तो देखिए, इसी पॉट में मैं दोनों को लगाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मिट्टी की बात करें, तो देखिए मैंने इस तरह से ये सैंडी सी सॉइल ली है। अगर आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये सैंड है। देखिए, एडेनियम के प्लांट के लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, और बहुत ही भुरभुरी, जिसमें पानी बिल्कुल ही ना रुके, उस तरह से हमें बनानी है। और ये देखिए, मोटे मोटे ये कंकर पत्थर जैसा है, और इसमें ये थर्मोकोल के छोटे छोटे पीसीस भी है। देखिए, तो इसका भी मैं यूज़ करूँगी। और ये कुछ ठीकरिया है नीचे गमले में रखने के लिए। और देखिए, खाद की बात करें तो मैंने इस तरह से ये खाद लिया है। देखिए, ये कटोरी में वर्मी कंपोस्ट है। ये मैं दो प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो मैंने उस हिसाब से लिया है। आप भी अपने जितने भी प्लांट रिपोर्ट करें उसी हिसाब से खाद का यूज़ करें। तो देखिए, ये सभी मैंने जो लिया है वो 2 चम्मच लिया है। खाली एक ये DAP है, वो मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है। तो देखिए, DAP बहुत ही तेज़ खाद होती है, तो उसका प्रयोग हमें कम करना चाहिए। एडेनियम के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी फ्लावरिंग के लिए। तो DAP की 1 चम्मच ली है, ये दाने वाला आता है। फिर ये है सीवीट, एप्सम सॉल्ट, फिर रेड वाली पोटाश, बोन मिल, नीम खली, ये मस्टर्ड केक। बस इस तरह से मैंने खाद लिए हैं। और ये है वर्मी कंपोस्ट, ये सूख गई है इसलिए इस तरह से लग रही है। आप उसकी जगह पे गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें बोन मिल एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी खाद है एडेनियम की अच्छी ग्रोथ के लिए। ये उसका कोडेक्स भी अच्छा होता है उसकी वजह से, और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, और इसीलिए हम बोन मिल का यूज़ करते हैं। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप उसको मत ले, मैं तो लेती ही हूँ। और ये रेड वाली पोटाश, ये बहुत ही ज़रूरी है उसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो देखिए, ये सभी खाद में मिक्स करके इसमें मिट्टी के साथ इसको लगाऊंगी। तो देखिए, अभी तो पहले मैं इसको गमले से बाहर निकाल लेती हूँ एडेनियम को। तो देखिए, मैं एडेनियम को ये निकाल लेती हूँ गमले में से। धीरे धीरे से हमको निकालना है ताकि उसकी रूट्स ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से तो देखिए, ये मैंने निकाल लिया है। और देखिए कितना खूबसूरत इसका रूट्स सभी डेवलप हुई है। तो इसी तरह से मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से, yeah।
तो देखिए मैंने इस तरह से ये निकाल दिए हैं, और देखिए यहाँ तक ये मिट्टी में दबा हुआ था, तो हमें थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, थोड़ी ही रूट्स उसकी अंदर रखनी है। जब हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं एडेनियम की, तब हमें थोड़ा जितना होता है उतना नहीं दबाना है, थोड़ा ऊपर रखना है। तो उसी तरह से उसकी रूट्स बढ़ती रहेगी और ये कोडेक्स भी अच्छे से दिखेगा। तो देखिए ये मिट्टी है, मैं उसमें ये थोड़ा सा फंजीसाइड है साफ वाला, वो मैं उसमें डाल देती हूँ एक चम्मच के करीब। तो देखिए इस तरह से, और ये आपके पास नहीं है तो आप उसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, और या तो सिनेमन पाउडर आता है वो। तो अभी उसमें मैं ये सभी खादे डाल दूंगी, ये सभी इसमें मिला देंगे। और देखिए ये गमले में मैंने नीचे इस तरह से ठीकरियाँ भी रख दी है। देखिए एडेनियम के प्लांट में हमें गमले में होल रखना बहुत ज़रूरी है। जिस भी पॉट में हम उसको रिपोर्ट करें उसमें आप ज़रूर चेक करें कि उसमें ड्रेनेज होल हो, वरना बारिश के मौसम में ये पूरा सड़ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें ये ठीकरियाँ रखूँगी, और फिर ये नीचे इस तरह से ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है वो, ताकि ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए दोनों ही प्लांट को मैं इसी तरह से रखूँगी, और ये सभी मिट्टी और ये खाद मिला के इसमें डाल दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सब मिक्स करके डाल दिया है। अभी ये इसको हम देख लेंगे कि किस तरह से रखना है। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर उठा के मैं इसको रखूँगी, और फिर ऊपर वापस से मिट्टी डाल दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों को लगा दिया है। तो अभी इसको अच्छे से पानी दे दूँगी, और फिर दो दिन के लिए सेमी सनलाइट में रखूँगी, फिर फुल सनलाइट में। तो देखिए इसी तरह से मैं रिपोर्ट करती हूँ, और यही सभी बातें आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो देखिए वीडियो का एंड ये पम्पकिन के प्लांट से कर रही हूँ, जो मैंने बीज लगाए थे पम्पकिन के। देखिए ये एक निकल आया है, और ये एक यहाँ से निकल रहा है। तो देखिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि सभी मेरे वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ, उसकी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।